नमस्कार, नमश्चंडिकाय। मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु, एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माँ गौरी के बारे में। जी हाँ, माँ गौरी के पूजन विधि के बारे में, कैसे माँ गौरी को प्रसन्न करें, कैसे माँ गौरी के असीम अनुकंपा का आप पात्र बने। देखिए, माँ गौरी करुणा के स्वरूप है। गौरी माँ पार्वती को ही कहा गया। गौरी सुहाग की भी देवी है। जी हां, आपके सुहाग की भी, यानी आपकी पत्नी या पति जो है, उनकी माँ गौरी रक्षा करती है। माँ गौरी के पूजन में किस चीज का विशेष ध्यान रखें, यह भी हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले माँ गौरी की जो पूजा होती है वह अष्टमी के दिन होती है। अष्टमी के दिन बहुत सारे भक्तजन अष्टमी व्रत में भी रहते हैं, और अष्टमी व्रत जो होता है वह निर्जला होता है। जी हाँ, अष्टमी व्रत का अर्थ है कि आप जल भी ग्रहण ना करें। यदि आप में ऐसा संभव हो तो आप अष्टमी व्रत करें, अन्यथा आप फल इत्यादि खाकर रह सकते हैं। वो माँ के लिए एक भक्ति होगी। हम बात करेंगे माँ की पूजन विधि के बारे में। माँ के पूजन विधि में हम विशेष ध्यान रखेंगे कि माँ को पहले जल से पैर धोएंगे। धोने के बाद माँ को वस्त्र से उनका पैर पोछेंगे। उसके उपरांत माँ को हम जल देंगे, अर्घ देंगे। अर्घ में अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन इत्यादि का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ अर्घ के उपरांत माँ को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद जब आप माँ को स्नान करा देते हैं तो स्नान के उपरांत माँ को पंचामृत से भी स्नान करवाएं, पंचामृत भी दें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर माँ को जल से स्नान करवाएं, वस्त्र से उनका प्रक्षालन करें, और माँ को पूरा वस्त्र, जी हाँ, आप यदि माँ को पूरा वस्त्र अर्पित करते हैं तो माँ प्रसन्न रहती है। आप यदि व्रत में हैं तो व्रत में भी आप माँ को चावल, हल्दी, द्रव्य, दुर्वा और सुपारी के साथ साथ सिंदूर की एक गद्दी हो या सिंदूर की किया हो तो वो माँ को लाल वस्त्र में बांध कर माँ को अर्पित करें वस्त्र के साथ। ऐसा करने से माँ अति प्रसन्न होती है। उसके बाद माँ को चंदन लगाएं, माँ को दुर्वा भी अर्पित करें। हल्दी से युक्त दुर्वा माँ गौरी को अति प्रसन्न है। हल्दी से युक्त दुर्वा माँ गौरी को प्रसन्न अर्पित करें। समी का पत्र हो तो वो माँ को अर्पित करें। एक बेलव पत्र, जी हाँ, एक बेलव पत्र हो तो वो माँ को अर्पित करें। उसके साथ साथ माँ को धूप दें, दीप, ध्यान रखें दीप गाय के घी का हो, गाय के घी का दीप माँ को अर्पित करें, और उसके उपरांत माँ को भोग लगाएं। माँ को भोग आप भिन्न भिन्न प्रकार के जो नैवेद्य हैं वो दें। उसके साथ साथ माँ को खीर, जी हाँ, माँ को खीर का यदि आप भोग लगाते हैं, या आप माँ को पेड़े का भोग, दूध से बना हुआ पेड़ा, खीर भी ध्यान रखें गाय का दूध का हो। यदि खीर गाय का दूध का हो, केसर युक्त हो, इसका भोग लगाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि देती है। इसके उपरांत माँ को जो भोग के उपरांत माँ को आप पीले पुष्प का पुष्पांजलि दे सकते हैं, जल इत्यादि
के उपरांत पुष्पांजलि दें, और उसके उपरांत जब आप पुष्पांजलि दे दें तो माँ को मंत्र कहें, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसा अर्पित कर माँ से क्षमा मांगे कि पूजन विधि में कोई कमी रह गई हो तो माँ उसको क्षमा करो। और उसके साथ साथ यदि आप महिला हैं तो माँ से कहें देही सौभाग्यम आरोग्यम, जी हाँ देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम रूपम देही जैन देही यशो देही दुशो जही। इस मंत्र का आप माँ के सामने में 3 बार या 108 बार जाप करें। यदि आप पुरुष वर्ग हैं तो आप कहें सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशयः, ऐसा कर कर माँ को इस मंत्र का 3 बार या 108 बार जाप करें। निश्चित तौर पर माँ गौरी आपका कल्याण करेगी, आपका कल्याण होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते।